हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट कैम ट्यूटोरियल। ओके, ये हमारा व्हील का पिन है। फिर से न्यू पार्ट लेंगे। ओह, बाय मिस्टेक क्लिक हो गई थी। इसको कैंसिल करते हैं। कंट्रोल एन, पार्ट पे होना चाहिए था, ड्राइंग पे चला गया था। तो अभी फोर्थ पार्ट आया है, ए पिन है। ओके, तो इसको हम रिवॉल्व से बना लेते हैं। अब एक्सट्रूड से भी बना सकते हो। फर्स्ट लीजिए, इसको एक्सट्रूड कीजिए, इसको एक्सट्रूड कीजिए, और हम रिवॉल्व से बनाएंगे उनको। सिंगल स्टेप में ही कम्प्लीट हो जाएगा। ऐसे सेंटर लाइन। ओके, अब डायमेंशन इनपुट करेंगे 5×60। ये 5 mm, ये 60 mm, एंड 24×12, 24 mm एंड 12 mm एंड इन सारे फेस पे चैम्फर आएगा 1, 2, 3। तो इसको हम बाद में करेंगे। आप चाहे तो अभी भी चैम्फर दे सकते रहेगा, तो भी पॉसिबल ओरिजिनली हो जाएगा। ओके, पिन दिया रहे हम। पहले हम यहाँ पे होल कर रहे हैं गाइस, इसको कर देते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, एंड ऑफ द फेस से इस फेस से 8 mm डिस्टेंस पे 2 mm का होल। तो यहाँ पे फ्रंट प्लेन ले लेते हैं, सर्कल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे यहाँ से 8 mm डिस्टेंस पे 2 mm का होल, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टली कर देते हैं। फुली डिपेंड हो गया। एक्सक्रूड कट थ्रू ऑल बोथ साइड। हमको चैम्फर देना है 1 mm का। चैम्फर इसके दे रहे हैं ताकि ये जो कॉर्नर फेस है ना, किसी को लगे ना। अब जब भी कोई ऐसा पार्ट बनाए तो हमेशा इस टाइप के फेसेस को है ना, एक 1 mm या फिर 0.5 mm का चैम्फर हमेशा दे देने का, ताकि किसी को लगे तो इसके कॉर्नर से किसी को डैमेज ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्ट की वर्किंग प्रोसेस में। ओके।